विजयादशमी पर दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार दशहरे की तिथि को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं कि दशहरा कब मनाया जाएगा। दशहरा भगवान श्री राम द्वारा रावण का जो वध हुआ, एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का संकेत देता है। ऐसा विजयादशमी का महापर्व जिस दिन भगवती पराम्बा के नवरात्र पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा एवं हनुमान जी की पूजा कर ऐसा विजय का उत्सव मनाया जाता है, वह पर्व हम सब मनाने जा रहे हैं। इस साल विजयादशमी असमंजस में इसलिए है क्योंकि तिथियों का सूर्योदय के द्वारा घटना बढ़ना लगातार चलता रहता है। इस बार जो विजयादशमी का पर्व है वह 12 अक्टूबर के दिन मनाने जा रहे हैं। विजयादशमी जो रावण वध है उस दिन संध्या के समय रावण वध होता है। संध्या के समय दशमी का पर्व मनाएंगे। सुबह 10 बजे बाद दशमी तिथि लग जाएगी। दशमी तिथि लगते से ही विजयादशमी पर्व प्रारंभ हो जाएगा। संध्या को अपने रीति रिवाज के अनुसार सभी अपने घर पर या कहीं उत्सव मनाने जाए तो वहाँ पर विजयादशमी का पर्व मनाएंगे। विजयादशमी एक ऐसा उत्सव है, एक ऐसा त्यौहार है जो व्यक्ति के जीवन में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को साबित करता है। ऐसे दिन में हम सब मिलकर के 12 तारीख के दिन विजयादशमी का पर्व मनाएंगे, जिससे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि ईश्वर की प्राप्ति हो। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ऐसे दो शुभ योग विजयादशमी के दिन दिन भर प्राप्त होंगे। जो भी शुभ कार्य करना हो, कुछ खरीदना हो अथवा कोई शुभ प्रसंग का प्रारंभ करना हो, ऐसे कार्य हम प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे कि वह कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे।